नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा वेदरिंग विद यू एनिमे मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट और राइट एक ही इंसान ने किया, माकोतो शिनकाई ने। ये वही इंसान है जिन्होंने योर नेम जैसी एनिमे मूवी जो है वो डायरेक्ट और राइट की थी। और जब आप योर नेम जैसी खूबसूरत एनिमे मूवी देखोगे, तब यही सोचोगे कि जिन्होंने इसे डायरेक्ट और राइट किया है, उनकी जो अगली मूवी होगी वो इससे भी अच्छी होने वाली है। और कुछ ऐसा ही सोचकर मैंने ये वाली मूवी देखनी शुरू की थी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। मोरिशिमी होदाका, जो 16 साल का एक लड़का और अपने घर से भागकर वो टोक्यो आ गया। अब वो टोक्यो क्यों आया है, क्या उसके पीछे रीजन था कि उसे घर छोड़ के भाग के आना पड़ा, ये सब चीजें इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं गई है। वो टोक्यो आता है, टोक्यो आने के बाद वो जॉब सर्च करता है, क्योंकि अपने रहने का खाने का खर्च उसे निकालना है। काफी धक्के खाने के बाद होदाका को एक आदमी मिलता है जो मैगजीन प्रिंट का काम करता है, और उसे वो एक स्टोरी ढूंढने के लिए काम देता है कि ऐसी स्टोरी ढूंढ के लेकर आओ जो लोगों के अंदर काफी ज्यादा चर्चा में रह रही है, कि सुपर ह्यूमन ऐसे कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ लोगों के पास सुपर पावर होती हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके लेके आओ, क्योंकि टोक्यो में आजकल जो युवा जनरेशन है उन कहानियों को पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक है। होदाका की इस दौरान एक मुलाकात होती है एक लड़की अमानो हिना से। ये हिना को एक बहुत घटिया आदमी से बचाता है, और हिना जो है वो इसको अपनी पावर के बारे में बताती है और इसको शो करती है कि उसकी पावर क्या है, और इसकी पावर देखकर होदाका के होश उड़ जाते हैं। वैसे हिना क्या है कि जब भी वो प्रे करती है, मतलब प्रे करके मौसम को बिल्कुल साफ कर देती है, धूप खिल जाती है, नीला आसमान दिखने लग जाता है। और थोड़ा सा इसकी पावर के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो इतना है कि वो थोड़ी सी देर के लिए मौसम को क्लियर कर सकती है, साफ कर सकती है, मतलब और ज्यादा जगह के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े से एरिया में ही वो मतलब बारिश रोक सकती है। उस टाइम क्या होता है कि टोक्यो के अंदर लगातार बारिश हो जा रही है, और पूरी मूवी के दौरान ही बारिश होती रहती है। तो होदाका हिना के लिए और अपने लिए खुद के लिए काम सोचता है। वो ये कहता है पूरी मतलब एक साइट के अंदर ये अनाउंस करता है कि किसी को भी अगर मौसम साफ करवाना है तो उनसे कॉन्टेक्ट करें। जैसे ये जो आर्टिकल है वो डालता है नेट के ऊपर, तो इनके ऊपर मैसेज आने स्टार्ट होते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमें मौसम क्लियर करवाना है। तो ऐसे धीरे धीरे इन दोनों के पास पैसे भी आने शुरू होते हैं, लोगों के अंदर पहचान भी बनने शुरू होती है। वैसे एक रियलिटी है कि टोक्यो के अंदर कोई बारिश को पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता उसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि टोक्यो के अंदर जो लोग होते हैं वो जब बारिश होती है वो उससे चिढ़ जाते हैं। तो इन दोनों की अच्छी सी जॉब चल रही है, ये जाते हैं मौसम को साफ करते हैं थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए, जिनको खुशी चाहिए होती है कि जिनका बर्थडे होता है तो वहां पर वो थोड़ी देर के लिए मौसम को क्लियर कर देते हैं, या फिर जिनको खेलना होता है वहां पर थोड़ी देर के लिए मौसम को क्लियर कर देते हैं। तो इन सब की चीजें अच्छे से चल रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कहानी में जब तक ट्विस्ट ना आए कहानी मजा तो होता नहीं, और यहां पर टाइम होता है ट्विस्ट आने का। और मैं जब भी एनिमे मूवी या सीरीज देखता हूं तो मैं बस यही दुआ करता हूं कि यार प्लीज इसके एंड में किसी को मार मत देना, क्योंकि ये क्या करते हैं किसी भी जापानीज एनिमे मूवी या सीरीज के अंदर, एक बार तो आपको किसी करेक्टर के साथ इतना कनेक्ट कर देंगे कि आपको उससे प्यार हो जाएगा, और फिर अचानक से उसको मार भी देंगे। हिना जो बार बार प्रे कर रही है, बारिश को रोक रही है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि अगर ये लगातार करती रही तो इसके लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो सेक्रीफाइस किसे करना पड़ेगा, कौन होगा, इसके लिए तो आपको ये एनिमे मूवी देखनी पड़ेगी। उधर होदाका भी हिना को बहुत प्यार करने लग जाता है, लेकिन इस प्यार करने के कारण इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अब मैं कंपेयर करूं वेदरिंग विद यू के साथ योर नेम जैसी एनिमे मूवी, तो मैं यही कहूंगा कि योर नेम जो एनिमे मूवी थी वो बहुत ज्यादा हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाती है, लेकिन वेदरिंग विद यू ये हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर नजर आती है योर नेम के कंपेयर में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेदरिंग विद यू मूवी जो है वो अच्छी नहीं है, ये काफी अच्छी है, लेकिन आप कंपेयर करो योर नेम के साथ इसमें कमी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने योर नेम एनिमे मूवी अगर पहले नहीं देखी है तो डेफिनेटली ये मूवी आपकी फेवरेट बनने वाली है, यानी वेदरिंग विद यू आपकी बेस्ट मूवी बनने वाली है। अगर आप लोगों ने योर नेम एनिमे मूवी पहले ही देख रखी है तो आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि जिन्होंने इसे डायरेक्ट और राइट किया है वो इससे और अच्छी एनिमे मूवी हमारे सामने रिप्रेजेंट करे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने इससे यही एक्सपेक्टेशन लगा के देख ली थी ये मूवी, बट उतना मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। खैर, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर किसी ने देख रखी है मूवी, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी। अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लेना, काफी अच्छी मूवी है। बट अगर आप लोगों ने योर नेम अगर मूवी पहले ही देख रखी है तो थोड़ा सा आप इससे सेटिस्फाई कम हो पाएंगे। तो खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।